दोस्तों एसएससी जीडी 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा कैटेगरी वाई आप लोगों को अनुमान है। नमस्कार, आप देख पा रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। और बताइए दोस्तों कैसे हो, आशा करता हूं ठीक होंगे। एसएससी जीडी एग्जाम्स चल रही है 2023 की। अब तक जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है, हमने सभी शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस किया है। ढेरों सारे अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं हमने पोल रखा है, अभ्यर्थियों से फेस टू फेस बातें भी की है, कितने प्रश्न वो सही करके आया है। कुछ अभ्यर्थी हवा में उड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम 80 प्रश्न में से 75 करके आ गए, 70 करके आ गए, लेकिन हमें नहीं लगता है दोस्तों कि इतने प्रश्न कर सकते हैं, होते हैं एक दो बच्चे। अब दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बता देता हूं, बहुत सारे अभ्यर्थी बार बार कह रहे हैं सर हमारा एग्जाम्स हो चुका है, कम से कम हमें सेप स्कोर बता दीजिएगा, कितने नंबर पर पार पड़ सकती है, कट ऑफ के दायरे में कितना नंबर आ रहा है। आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, एसएससी जीडी 2023 एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए भैया जी, बात हो रही है जीडी की कट ऑफ के बारे में, एसएससी के इतिहास की एकदम सटीक कट ऑफ बता रहा हूं, चाहे आप कहीं पर भी सर्च मार लेना। कट ऑफ तो कोई बना देता है, यूट्यूब पर ढेरों सारी आपको कट ऑफ मिल जाएंगी, सर्च मारना एसएससी जीडी कट ऑफ 2023, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, कोई क्या बता रहा है कोई क्या बता रहा है। अब ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, कहां से आप कैसे जानकारी लेते हो, किसको आप सच मानते हो। कट ऑफ बताने से पहले हमें कुछ बातों पर गौर करना चाहिए, इन बातों पर अगर हमने गौर नहीं किया तो कट ऑफ बनाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। देखिए भैया जी, बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे सर पिछली बार की तुलना में कट ऑफ ज्यादा जाएगा या फिर कम जाएगा। तो दोस्तों पिछली बार 2021 की तुलना में 2023 का जो कट ऑफ है एसएससी जीडी का वो कम जाएगा, अधिक बिल्कुल भी नहीं जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। कारण मैं आपको बता देता हूं कि 2021 में 25,000 के अप्रोक्स वैकेंसी आई थी एसएससी जीडी की, लेकिन 2023 में तो बड़ा धमाका हो चुका है, पैक कर गई है वैकेंसीज, यानी कि लमसम 20,000 के अप्रोक्स ज्यादा है पद इस बार, ठीक है। एक कारण तो यह है, दूसरा कारण है दोस्तों फॉर्म फिलअप। 2021 में फॉर्म अप्लाई हुए थे 71 लाख से ऊपर, और 2023 में फॉर्म अप्लाई हुए हैं मात्र 54 लाख से कुछ ही ऊपर। अब दोस्तों फॉर्म में काफी डिफरेंस आ गया है, आप देख पा रहे होंगे कि कम से कम 17 लाख से कम पिछली बार की तुलना में, वैकेंसीज कम थी, फॉर्म ज्यादा अप्लाई हुए, वैकेंसीज ज्यादा है और फॉर्म भी कम अप्लाई हुए हैं, इससे कहीं ना कहीं दोस्तों बहुत बड़ा कट ऑफ में बनने का कारण उभरता है। एंड दोस्तों और मैं कारण बता देता हूं आपको, समय कम मिल रहा है एसएससी जीडी के पेपर में, मात्र 1 घंटे का समय है 60 मिनट का। प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो 80 क्वेश्चन का पेपर आ रहा है, तो अभ्यर्थी बहुत सारे कह रहे थे सर कम से कम 10-15 मिनट का समय और दिया जाना चाहिए था, कि जब लास्ट के पार्ट पर पहुंचते थे ना अभ्यर्थी करने के लिए, समय ही खत्म हो जाता था, तो कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों का। दूसरी बात, एग्जाम्स पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया गया है पिछली बार की तुलना, ये भी सबसे बड़ी समस्या है, अभ्यर्थियों को समझ में ही नहीं आया एग्जाम्स पैटर्न। अब दोस्तों और मैं बातें करता हूं महत्वपूर्ण, आप अगर कौन कौन से राज्य से बिलोंग कर रहे हो वो छांट लेना। यहां पर मैंने हाई जोन जाने वाली कट ऑफ, मिडिल जोन जाने वाली कट ऑफ और लो जोन तीनों बताए हैं। हाई कट ऑफ जाएगी राजस्थान राज्य की, उत्तर प्रदेश की, हरियाणा, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ये जो मैंने आपको राज्य बताए हैं ना, अगर आप यहां से बिलोंग कर रहे हो तो भैया जी सबसे रेड जोन में माना जाता है, हाई कट ऑफ जाता है यहां से।
मिड जोन जहां की मीडियम कट ऑफ रहती है, गुजरात का नाम आएगा, चंडीगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ओडिशा, असम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ये मिड जोन है दोस्तों। और लो कट ऑफ सबसे कम जो कट ऑफ रहेगी वह त्रिपुरा, सिक्किम, पांडुचेरी, नागालैंड, दादर एंड नागर हवेली, गोवा, मणिपुर, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप, तमिलनाडु और केरल, ये ऐसे राज्य है जिनकी कट ऑफ लो रहेगी भैया जी। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, और जो मैं एक्सपेक्टेड आपको कट ऑफ बता रहा हूं इसमें आप 5 से 6 नंबर प्लस माइनस कर लेना, क्योंकि भैया जी अपन इतने अंतर्यामी नहीं है कि एकदम ऑफिशियल ही आंकड़ा पेश कर दे, लेकिन उसी के इर्द गिर्द में आपको कट ऑफ बता रहा हूं, एकदम सटीक कट ऑफ है, यहां पर किसी भी प्रकार का झूठ का सहारा मैंने नहीं लिया है। जो भी कट ऑफ है 160 अंक से बनेगी, 160 में से अगर आपके जो मैं बता रहा हूं इतने नंबर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो भैया जी कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ समझ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हाई जोन की कट ऑफ, तो जो मैंने हाई जोन बताए हैं ना आपको, ये वाले इनकी कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने की संभावना है। अनरिजर्व कैटेगरी की भाई साहब 101 कट ऑफ का तो दायरा पहुंचेगा ही। ओबीसी की बात करूं तो 100 नंबर, ईडब्ल्यूएस 95 प्लस, एससी 85 प्लस और एसटी 80 प्लस, ये कट ऑफ रहेगी दोस्तों हाई जोन, यानी कि ये जोन आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी। मिडिल जोन की बात करूं, गुजरात, चंडीगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना जो आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, अनरिजर्व 90 प्लस है, ओबीसी 88 प्लस है भैया जी, एंड ईडब्ल्यूएस की बात करें भैया जी तो 85 प्लस है, एंड एससी 75 प्लस है, और एसटी की बात करूं तो 70 प्लस कट ऑफ रहेगी मिड जोन। लॉ जोन कौन कौन से हैं आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, इनकी कट ऑफ रहने की संभावना है जनरल की 85, ओबीसी 78 एंड ईडब्ल्यूएस 80 प्लस रहने की संभावना है, एससी कैटेगरी की बात करूं 70 प्लस और एसटी 68 प्लस। जो ये कट ऑफ बताई है कोई माई का लाल फेल नहीं कर सकता है, हमने आपको लिखने में तो 10 सेकंड लगाया है इस कट ऑफ को, लेकिन इसको सर्च करने में, इसको कहीं ना कहीं बनाने में हमें 2-3 दिन का समय लग गया था भैया जी, यूं ही कट ऑफ नहीं बताई है। अभिषेक क्लासेस आज तक का इतिहास उठाकर देख लेना, पहले तो मैं कट ऑफ बनाता ही नहीं हूं, और बना भी देता हूं तो एकदम सर्च के साथ ही बनाता हूं, सटीक कट ऑफ बताता हूं। जितनी भी आज तक मैंने कट ऑफ बताई है वीडियो उठाकर देख लीजिए, यहां पर किसी भी प्रकार का मैंने झूठ का सहारा नहीं लिया है। इतने अगर आपके नंबर बन रहे हैं हाई जोन, मिड जोन एंड लो जोन, तो भैया जी कहीं ना कहीं सेफ समझ सकते हो अपना आप को, घबराने वाली बात नहीं है। अब तक की जितनी शिफ्ट हुई है उनका मैंने यह डाटा आपके सामने रखा है, आने वाली जो भी शिफ्ट है उनकी मैं अभी देख रहे हैं क्या कुछ होता है, ठीक है। अभ्यर्थियों का भरोसा मत कीजिए, झूठ बोलते हैं, हम पोल भी रख देते हैं ना तो उसमें भी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं सर हम 80 में से 75 प्रश्न राइट करके आए हैं, तो झूठ बोल देते हैं अभ्यर्थी, उनका क्या करना, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ईमानदार भी होते हैं, उनसे हमने कहीं ना कहीं ये कट ऑफ देखी है। और जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका मीडियम पेपर गया है उसी से हमने यह कट ऑफ आपको बताई है, स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि भविष्य में आपको यह कट ऑफ याद आएगी अभिषेक क्लासेस की। और कोई आपको जानकारी लेनी है बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जाती है। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।